भरतपुर के बैर से खबर है, जहां गुरुवार को पंचायत समिति बैर के गांव आजादपुरा में संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल पहुंचे और गांव वालों की विभिन्न समस्याओं को जन सुनवाई में जन सुना और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों और को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समस्याओं का समाधान कराया। भरतपुर जिनजिंडिया ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार ने बताया कि जन सुनवाई में पेंशन, पानी, बिजली, सड़क आदि की समस्याएं छाई रही। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान के तहत कई ग्राम पंचायतों में पौधारोपण के कार्य का शुभारंभ किया। गांव वालों ने जनसुनवाई में गांव के अंदर सीनियर स्कूल व हॉस्पिटल की मांग रखी। भरतपुर डीसीपीसी बेरवाल ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि गांव वालों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। जन समस्या के समय पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुरेश चंद बागोरिया, बैर तहसीलदार राजेश मीना, रिंकी वर्मा अलवर, विजेंद्र सिंह आजादपुरा, महेंद्र सिंह जाटव भुसावर, चेयरमैन प्रकाश सिंह जाटव विष्णु अधिकारी मौजूद रहे। मैं महेंद्र जाटव, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान। आज ग्राम चकदरसोनी के आजादपुरा में एवं ऊनापुर में माननीय संभागीय आयुक्त श्री पीसी बैरवाल साहब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और आम जनता की समस्या सुनी गई और मौके पर ही तहसीलदार जी, विकास अधिकारी महोदय जय, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। मौके पर उन्होंने आम जनता की समस्या सुनी और मौके पर ही कर्मचारियों को निर्देश दिए उन समस्याओं का निदान तुरंत किया जाए। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन था जो आजादपुरा स्कूल में आयुक्त साहब एवं मेरे द्वारा वृक्षारोपण किया गया और बारीकी से पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के ऊपर, खाद्य सुरक्षा के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर उन्होंने और नरेगा के ऊपर उन्होंने सभी आम जन से बात की और जो उन्होंने समस्या बताई उनका तुरंत निर्देशित करके अधिकारियों को करवाया गया।